कोई भी माता पिता के लिए यह गर्व की बात होती है जब उनका बच्चा देश का एक सम्माननीय पद पर बैठे होता है। ये गर्व कई गुना बढ़ जाता है जब उनकी कोई बेटी उस पद पर बैठी है। जी हाँ, मैं आज बात करने जा रहा हूँ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में। दरअसल निर्मला सीतारमण ने 2004 में बीजेपी से जुड़कर अपनी सियासी सफर का आगाज किया था। उससे पहले 2003 में वो राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य थी। बीजेपी में शामिल होने के 6 साल बाद यानी 2010 में वो पार्टी की प्रवक्ता बना दी गई। 26 मई 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उन्हें वित्त राज्य मंत्री और उद्योग वाणिज्य राज्य मंत्री बनाया गया। 3 सितंबर 2017 को उन्हें रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिस पर वो पहले टर्म की आखिर तक बनी रही और जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनी रही। अब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वित्त मंत्री बनी है। आज मोदी सरकार का पहला बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में बजट पेश कर रही है। ये दूसरा मौका है जब इंदिरा गांधी के बाद महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए निर्मला सीतारमण के माता पिता भी संसद भवन में मौजूद हैं। खुद अपनी बेटी के संसद में बजट पेश करते वक्त देखने के लिए वो आज संसद में मौजूद हैं। आपको बता दें कि पहली सरकार में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने खराब तबीयत की वजह से जब मंत्री पद को ठुकराया दिया तो निर्मला सीतारमण को देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। वैसे तो 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आम बजट पेश किया था क्योंकि उनके पास वित्त मंत्रालय का प्रभार भी था, लेकिन 49 साल बाद दूसरी बार कोई महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही है और वो पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री है जो बजट पेश कर रही है। इससे पहले मोदी सरकार में निर्मला सीतारमण रक्षा मंत्री थी और उस पद पर भी वो पहली पूर्णकालिक रक्षा मंत्री थी। तब भी वो राष्ट्र रक्षा के मोर्चे पर कई नीतिगत फैसलों को अमल में लाई, अक्सर वो सेना के जवानों का हौसला बढ़ाया करती नजर आई। बतौर रक्षा मंत्री सरकार के भरोसे पर खरी उतरी। शायद यही वजह रही कि उनकी लगन और उनकी कार्य करने की क्षमता देखते हुए मोदी सरकार ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी है। आज की बजट की फुल अपडेट के लिए बने रहिए वेब 23 न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।